वहीं सीएम योगी ने आज अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ से लेकर रायबरेली तक तमाम जगहों पर धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए भाजपा सरकार में किए हुए काम को तो गिनवाया ही, साथ ही अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। तो देखिए, आज ताबड़तोड़ जनसभाएं थी और पांचवें चरण की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। इसी मद्देनजर जब सीएम योगी मंच पर पहुंचे, उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए आप भी। बहनों, क्या ये सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे, ये सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे, क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, समाजवादी नाम है, काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है। सैफई खानदान जो लगातार हर एक बात पर अपना अधिकार जमा करके जबरदस्ती हड़पने की आदत डालता था ना, इस बार करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पांचवें चरण के चुनाव के लिए अमेठी में जमकर पसीना बहाया। इस दौरान प्रियंका ने अमेठी कस्बे से लेकर तिलोई विधानसभा के जायस कस्बे तक रोड शो किया। इस दौरान प्रियंका ने जगदीशपुर में एक जनसभा की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, ये चुनाव आने पर आतंकवाद, पाकिस्तान, जाति और धर्म की बात करते हैं, लेकिन महंगाई, रोजगार और छुट्टा पशुओं के मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो सोचिए और अच्छी तरह से समझिए, आपके सामने आकर आतंकवाद की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, छुट्टे जानवर की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी, क्योंकि किस मुंह से करेंगे, किस मुंह से करेंगे जब 5 सालों में कुछ किया ही नहीं है। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। वाराणसी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण में 7 मार्च को वोट डाले जाने वाले हैं। वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री वाराणसी में रहेंगे और इस दौरे से पूर्वांचल का सियासी पारा चढ़ने वाला है। 27 फरवरी को वाराणसी में पीएम मोदी भाजपा के बूथ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें वो सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री के साथ बूथ पदाधिकारियों की इस बैठक में हर बूथ से 6 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी इस बैठक में पार्टी के 2200 कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी को यूपी चुनाव में जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। मुकेश सहनी ने भाजपा पर अपने प्रत्याशियों को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार यूपी में भाजपा की हार तय है। सहनी कहते हैं कि भाजपा ने हार के डर से उनकी पार्टी के 104 प्रत्याशियों में से 50 का नामांकन रद्द करवा दिया है, लेकिन वीआईपी के बाकी के बचे हुए 54 उम्मीदवार पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। मुकेश सैनी कहते हैं कि निषाद पार्टी के संजय निषाद पर हमला बोलते हुए, संजय निषाद नहीं बल्कि पार्टी नहीं, वो दुकान चला रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने को भाजपा के सिंबल, अपने सिंबल को छोड़ भाजपा के सिंबल पर चुनाव क्यों लड़ते हैं। आज के हर एक नौजवान का क्या होगा जो आपके लिए खून पसीना बहाया? आप बताइए कि बिहार या उत्तर प्रदेश या देश नहीं, पूरे दुनिया में पहली ऐसी पार्टी होगा कि अपना पार्टी रहते हुए अपना बेटा को बीजेपी से चुनाव लड़ा रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, वो पार्टी नहीं दुकान चला रहे।